गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गाइज। और मेरी तबीयत अभी तक भी नहीं ठीक हुई है, थोड़ी सी पहले से बेटर है बट ठीक नहीं हुई है। खांसी में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और मैं अभी गाइज बैठी हूँ बाहर में बाउंड्री पे, क्योंकि अभी सोकर उठी हूँ, आपको फेस से पता चल रहा होगा, और सर में पेन होती रहती है, नींद बहुत आ रही है, दवाई खाने की वजह से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और मुंह का टेस्ट तो बिल्कुल ही अलग हो चुका है, मतलब कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, कोई भी टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है। बस खा रही हूँ दवा की वजह से कि नहीं खाऊंगी तो ज़्यादा पेट में गर्मी बन जाएगी। और यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि सौम्या के आने का टाइम हो गया है, तो सौम्या आ रही हैं और इनको देख सकते हो ये कहाँ बैठे हैं, और देख सकते हो सौम्या आ रही हैं उधर से टप 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 करके। मैं खोलूँगी लॉक अभी। मेरा साइकिल आ रहा है, आ रही हैं झूमते झूमते पूरा आ रही हैं। दीदी आप जानती हो मेरा कब आ रहा है साइकिल? मैं गाइस खोल दूँ यहाँ पे लॉक। 13 दिन में सैटरडे, तो सैटरडे का दिन इनका चलता है वाइट ड्रेस और बाकी दिन चलता है येलो एंड ब्लू। सैटरडे एंड वेडनेसडे को वाइट ड्रेस चलती है, बट वाइट ड्रेस एक दिन में ही कलरफुल हो जाती है। मामा लेकिन आज पता है ग्रीन रेड येलो पिंक नहीं ग्रीन येलो रेड ऐसा वाला टी शर्ट पहन के सबको जाता है। वेडनेसडे को यही वाला 5 ड्रेस कहाँ से खरीदा है? तो गई चलिए मैं मिलती हूँ, इसे कपड़ा उपड़ा चेंज करवा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ लंच पे। तो बहुत बुरा हाल हो रखा है मेरा, रियली बहुत बुरा हाल हो रखा है मेरा पैर। गई सब लोग जाता है स्कूल, ये बाउंड्री पे बैठ के मक्खी मारता है, पूरे दिन मक्खी मारता है, तो सब लोग चीटी मारता है बैठ के पूरे दिन, बेचारा इसी बाउंड्री पे अपना टाइम व्यतीत करता है। यहाँ पे लगी हुई रहती है लॉक गेट में, और यहाँ पे बैठ के बाउंड्री में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या करे बच्चा। और मैं बस खाना वाना खिलाऊंगी सौम्या को, मुझे तो इतनी नींद आ रही है कि समझ में ही नहीं आ रही है कि मतलब क्या हो गया है जो इतनी नींद आ रही है, पता नहीं दवाई खा रही हूँ उसकी वजह से क्या, मतलब कोचिंग से आई उसके बाद जो सोई हूँ सुबह में, मैं दवाई खाने की वजह से एक रोटी खा कर गई थी, दवाई खा कर मुझे कोचिंग में भी नींद आ रही थी, और उसके बाद आई तो थोड़ा सा फ्रेंड से बात हुआ, कॉल की थी, और उसके बाद मैं जो सोई हूँ अभी नींद खुली है, तो मैं चावल बनाई हूँ और पता नहीं बहुत परेशान सी हो गई हूँ, गले भी देख सकती हूँ कैसे हो रखी है, हाफ सी चढ़ रही है ऐसे, और खांसी की वजह से टेस्ट बिल्कुल ही गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा ही आ रहा है, कभी कुछ खाने का मन करता है तीखा, कभी कुछ खाने का मन कर रहा है। तो भाई चलिए पहले मैं सौम्या को खाना खिलाती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ, ओके। तो गाइस यहाँ पे हमारी लंच लग चुकी है, आप लोग देख सकते हो चावल दाल घिया यानी लौकी की सब्जी, और ये चिप्स, और ये प्याज और टमाटर का सैलड, और यहाँ पे सौम्या सिंह का भी लंच लग गया है, तो अब हम पूरे अपने बैठ के ऐसे खाएंगे और मज़ा आता है। शौर्य सिंह को मुझे यूँ खिलाना पड़ता है कि शौर्य सिंह खाना लेते हैं और क्या करते हैं फेंक देता है इधर से इधर। आज मैं सोफे के नीचे सफाई कर रही थी, तो सोफे के नीचे मुझे रोटी दिखी, बट आज मुझे गुस्सा भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो गुस्से भी बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं क्या की कि इनको वही सूखा रोटी पहले खिलाई, और उसके बाद गाइज मैं इसको रोटी खिलाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान, रोज़ मैं समझा रही हूँ खाना नहीं फेंकना चाहिए, खाना नहीं फेंकना चाहिए, बट यही काम करता है, तो आज इसे गुस्से में मैं सूखी रोटी सोफे के नीचे गिरी हुई वाली रोटी मैं इसको पहले खिलाई, और उसके बाद लंच ब्रेकफास्ट मैं अपने साथ में करवाई। तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा,
और जब रात में मैं लेटी थी, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं लेटी थी तो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, मम्मा खाना दो, मम्मा खाना दो। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है मेरी लाइफ में गाइस, रियली बहुत ज़्यादा परेशानी। चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ खाना खाने के बाद, ओके। सॉरी। तो गाइस फाइनली अब मैं खाना उना खा ली हूँ, और खाना उना खाने के बाद मैं लेट गई हूँ बेड पे, आप देख सकते हो। तो मुझसे अभी नहीं बैठा ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा क्या मैं मतलब ज़्यादा अभी बैठती ही नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। बस ऐसे लगता है ना कि आँख बंद करके चुपचाप लेटे रहो, और तबीयत ख़राब होने के बाद ना बहुत ज़्यादा अंदर से चिड़चिड़ापन टाइप का आता है। तो बस खाना पीना खा ली हूँ गाइस, तो मैं चावल हैंड से खाती हूँ। आप लोग को मेंट कर रख के बताना आप लोग कैसे खाते हो। हमारी फ्रेंड लोग ना स्कूल से खाती थी, तो मेरे साथ नहीं खाती थी। जब उसका इच्छा होता था ना चावल खाने का, मैं बोलती तू आजा खा लो, तो नहीं मुझे अलग प्लेट में देना, मैं नहीं खाऊंगी तेरे साथ। तो मुझे अपनी वो वाली लाइफ बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत मस्ती करते थे हम लोग। मतलब फील नहीं होता था कि हम बाहर में रह रहे हैं, किसी दूसरे सिटी में रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। यहाँ पे इसलिए आ गए हैं कि डैडी लेकर आ गए हैं। डैडी को अच्छा लगता था तो हमने डैडी यहाँ पे ला के हमें छोड़ कर खुद चले गए। तो मैं का क्वेश्चन है कि आपको वहाँ पे अच्छा लगता था तो यहाँ पे क्यों आ मेरा शौक नहीं था यहाँ पे आने का, बट जो किस्मत में लिखा हुआ था गाइस हुआ ही होगा ना। यहाँ पे कुछ और सोच के आए थे, बट वो कुछ और गया, सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। तो ये कौन हट सकता है जो इसमें लिख गया था, ऊपर से ब्रह्मा जी लिख के दिए थे कि भाई जाओ वहाँ पे जाओगे ऐसे होगा वो होगा, वही हुआ हमारे साथ। एक का कमेंट भी आता है कि डियर आपके हस्बैंड का एक्सपायर हुए कितने दिन हो गए। तो मेरे हस्बैंड का एक्सपायर करके हो गया 6 मंथ प्लस, यानी 7 मंथ कंप्लीट होने वाला है। हमारे हस्बैंड के साथ 2 मार्च की घटना हुई थी, 5 मार्च को एक्सपायर किए थे वो। 1 साल के अंदर अंदर सारा चीज़ हो गया। आज मैं कोचिंग जा रही थी ना, मेरे माइंड में यही बात घूम रही थी, जल्दी शादी, जल्दी बच्चे, जल्दी विधवे, मतलब हर चीज़ जल्दी ही हुआ। मतलब लेट क्यों होता है ना, जब शादी जल्दी हुई थी, बच्चे जल्दी हो गए, विधवा भी जल्दी ही हो गई, हर चीज़ मेरे किस्मत में बहुत ज़्यादा जल्दी लिखा हुआ था। 18 ईयर्स में मेरी शादी हुई, और 19 लास्ट में सौम्या हो गई, 28 जैन में कंप्लीट हुई थी, और मार्च में विधवा हो गई। तो हर चीज़ मतलब मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी लिखा हुआ था। पहले लोग जब बोलता था ना कि मतलब मेरे बराबर की शादी नहीं हुई है, गांव में लोग ऐसे बोलता था, हाय रे बेचारी की बहुत जल्दी शादी हो गया, बच्चा हो गया। मुझे कभी भी नहीं फील हुआ था, क्योंकि जब हस्बैंड अच्छे हो ना तो कुछ भी फील नहीं होता है। तो मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ था कि मेरे बच्चे इतना जल्दी हो गए या मतलब शादी जल्दी हो गई, क्योंकि 50% काम मेरे हस्बैंड ही मेरा करवाते थे, और 50% काम जो खाने का हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, क्लीनिंग हो गया, ये सब मैं करती थी, नहीं तो मेरे साथ साथ वो बहुत काम करवा देते थे। और मेरी जो अभी हालत हो रही है ना 3 दिन से, रियली मुझे वो उठने नहीं देते, वो खुद ही सारा काम करके दे देते थे मुझे, इतना तक कि मुझे उठा के खाना भी बेड पर ला के देते थे, श्वेता खा लो दवाई खा लो। और उनके बाद जाने के बाद मतलब इतना मैं स्ट्रांग हो गई, इतना स्ट्रांग हो गई कि जो मैं कभी बीमारी हालत में उठती नहीं थी, और A to Z काम मैं खुद कर रही हूँ, इतनी बीमारी हालत में भी मैं ही खुद काम कर रही हूँ। तो वक्त वक्त की बात है, मतलब पहले कुछ और थी, अभी कुछ और हो गई, पता नहीं आगे अभी क्या क्या मतलब मुझे झेलना पड़ेगा, अभी तो कुछ भी नहीं पता। बस हम तो एक अंधेरे वाले ज़िंदगी में जीते हैं ना गाइस, हमें कुछ नहीं पता था कि हमारी लाइफ में ऐसा भी कुछ होगा जो आज के सिचुएशन में हो गया। तो वक्त वक्त की बात है,
तो मुझे बहुत याद आती है उनकी, बहुत ज़्यादा याद आती है। और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कि मतलब, और इन लोग तो मुझे चैन से रहने भी नहीं देते हैं जब से वो गए हैं, जब से मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आराम से लेट लूँ, या एक दिन ऐसा निकल गया होगा कि मैं खाना नहीं बनाऊँ या काम नहीं करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारा काम करती हूँ, 3 टाइम का खाना खुद बनाती हूँ। और आप मुझे खाना और उसके बाद भी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई उनके जाने के बाद, बहुत ज़्यादा। एक ऐसे ना थी, मतलब मैं उनको नहीं पहचानती हूँ, वो भी मुझे नहीं पहचानती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड थी ना, वो मुझसे बात करवाई थी, तो वो दी बोल रही थी उनके साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ था। तो वो बता रही थी उनके हस्बैंड का एक्सपायर किए हुए 3 साल हो गया, तो मुझसे बता रही थी मैं झांसी की रानी बन गई हूँ। पहले सोचती थी मैं इनके बिना कैसे रहूँगी, बट अब मैं झांसी की रानी बन गई हूँ। तो वही सिचुएशन है, जैसा जिसको आता है वो खुद ही हैंडल कर लेता है, और तीसरे पर्सन तो बस मजाक उड़ाने वाले होते हैं, कोई किसी का हेल्प नहीं करने वाले होते हैं, गाइस मजाक उड़ाने वाले होते हैं। तो गाइस चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगी। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फुल वॉच कीजिए, मुझे वॉचिंग टाइम कंप्लीट करवाना है। तो हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ धमाल होने वाली है, तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। मैं अभी नहीं बताऊँगी, बट नेक्स्ट ब्लॉग धमकदार होगी, जैसे मुझे लग रहा है। अगर होगी तो होगी, नहीं तो मेरा बोरिंग लाइफ तो है ही गाइज, है ना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो फुल वॉच किया कीजिए, मुझे वॉचिंग टाइम का कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। फाइनली बाय।